नमस्कार, मैं पीसी सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की थोई ग्राम पंचायत से। थोई के पूर्व सरपंच बर्धवंत गुप्ता, जो पिछले लगभग 25 सालों से कांग्रेस पार्टी में थे, एक बार खुद सरपंच रहे और एक बार उनकी पत्नी सरपंच पद पर रही। थोई के कद्दावर नेताओं में से एक, जिन्होंने थोई में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान की थी। लेकिन आज थोई की राजनीति गलियारों में सियासी माहौल बदल गया। थोई पंचायत में जहां सिक्कल लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की चर्चाएं चाय की दुकानों पर और गांव के चौपाल पर होती है, वह आज थम सी गई। आज थोई पंचायत में सिर्फ एक ही चर्चा का विषय पूर्व सरपंच बर्धवंत गुप्ता का रहा। जानकारी के लिए बता दें कि थोई के पूर्व सरपंच बर्धवंत गुप्ता ने अपने ग्रुप के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व सरपंच गुप्ता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व सरपंच ने भारतीय किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल यादव, होई झाड़ली भाजपा मंडल अध्यक्ष व कल्याणपुरा के सरपंच पवन कुमार साई और होई झाड़ली भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष निर्मला चौधरी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल यादव ने साफा और भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पूर्व सरपंच को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही साथ पूर्व सरपंच गुप्ता के समर्थकों को भी भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। पूर्व सरपंच गुप्ता के भाजपा में जाने से थोई की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। गुप्ता के भाजपा में जाने से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा और भाजपा को कितना फायदा, यह तो 19 तारीख को लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली वोटिंग से पता चलेगा। लेकिन गुप्ता के भाजपा में जाने से थोई की राजनीति गर्मा गई है। गुप्ता के साथ साथ अशोक शर्मा, गिरिराज गुप्ता, अब्दुल समद लोहार, मालीराम सैनी, हर्षा राम सैनी, नाथूलाल खटीक, शंकर लाल टेलर, कृष्ण गोपाल, गोपाल लील, रूरमल लील, नेकीराम फौजी, फूल सिंह लील, डालदास बाबाजी, धुड़ाराम रोलानिया, किशन लाल वर्मा, कैलाश सोनी, सुरेश कुमार सैनी, रंजीत सैन, हीरालाल सिसोदिया, सीताराम स्वामी, कैलाश स्वामी, शंकर लाटा, रामू पारिक और प्रहलाद सिंह नरूका भाजपा में शामिल हुए। आइए सुनते हैं पूर्व सरपंच बर्धवंत गुप्ता ने भाजपा में शामिल होने का क्या कारण बताया और उसके बाद होई झाड़ली मंडल अध्यक्ष पवन कुमार साई ने क्या कहा। आज हमने
पुराने संगठन को छोड़कर नए संगठन को बनाया है। मैं ना किसी पे आक्षेप लगाना, ना किसी की शिकायतें करना मेरे खिलाफ नहीं लग रहा है, लेकिन आप सभी को पता है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी संगठन को छोड़ता है तो उस संगठन से स्वस्थ होते ही छोड़ता है। तो हमने उस संगठन को स्वस्थ होकर ही छोड़ा है, मेरे संगठन में आए हैं सभी संगठन के पुराने साथियों से निवेदन है कि हमें अपना साथी समझे। अब हमारा दायित्व जो है वो पहले से कुछ ज्यादा है। जो मेरे साथ से ये कहना चाहूंगा कि कमल जी ने मेरे सर पे ये रखा है, इस पार्टी की लाज रख देना, ये मत खोदना, वरना मैं कहीं ना नहीं दूंगा। बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आज थोई में बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों में थोई के पूर्व सरपंच, जिनकी पत्नी भी सरपंच रही है, खुद भी सरपंच रहे, श्री बृजमोहन जी गुप्ता, और उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आपके माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इस बड़े परिवार में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। और जिस प्रकार हमारे माननीय मंत्री महोदय श्रीमाधोपुर के विधायक जाबर सिंह जी खर्रा का व्यक्तित्व रहा है, वो तो सबको साथ लेकर चलते हैं, उसमें नए कार्यकर्ताओं का भी उतना ही सम्मान है जितना पुराने कार्यकर्ताओं का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले सभी नए लोगों को मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप निस्संदेह आपको भारतीय जनता पार्टी परिवार में किसी जनप्रतिनिधि से, किसी संगठन के पदाधिकारी से या किसी कार्यकर्ता से जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी परिवार आपके साथ रहेगा। साथ ही बृजमोहन जी का थोई में स्थानीय स्तर पर बड़ा मजबूत जनाधार है, और मैं समझता हूँ कि बृजमोहन जी और उनके साथियों के भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी थोई में मजबूत होगी। और हम लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम कुछ वोटों से यहाँ पिछड़े थे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थोई से बड़ी लीड करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पुराने कार्यकर्ता अपनी मेहनत कर ही रहा था, नए लोग और जुड़े हैं, साथ ही सरपंच साहब का भी जनाधार है। तो मैं समझता हूँ कि सुमेधा नदी सरस्वती को हम संसद में तीसरी बार भेजने में थोई में भी हम बढ़तेंगे। इस विश्वास के साथ सभी लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।